सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी विद तिवारी। दिस इज योर फ्रेंड आशुतोष तिवारी। गाइस, लास्ट वीडियो मैंने ओसवाल गुरुकुल की तरफ से जो 25 के लिए सैंपल पेपर है उसका साइंस का बुक का रिव्यू किया था, तो आपको उस वीडियो में काफी कमेंट था, मैथमेटिक्स का बुक का भी रिव्यू कीजिए। तो आज की वीडियो में इसका रिव्यू करने वाला हूं, एंड इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से परचेज कर लेना। अभी तो काफी लोएस्ट प्राइस आपको ये बुक देखने को मिल जाता है, एंड आप लोग कमेंट में बता सकते हो आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन से सब्जेक्ट का रिव्यू चाहिए। एंड ऐसे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां से आप लोग देख भी सकते हो। एंड अभी तक आप स्टडी तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर लो। आपको पता है कि हम चैनल पर इस तरह के वीडियोज लाते रहते हैं। तो चलिए इस बुक के अंदर लेकर चलते हैं। इस बार तो इस बुक में काफी स्पेशल फीचर भी दिए गए हैं जिसके बारे में आप लोग बताते हो। जैसे आप लोग यहाँ बुक को नेक्स्ट करोगे तो सबसे पहले आप लोग इसमें सैंपल पेपर का ब्लू प्रिंट मिल जाता है कि कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। देन आपको यहाँ पर टोटल 10 सेट सैंपल पेपर मिल जाता है जिसमें आपको 6 सॉल्व सैंपल पेपर है एंड 7, 8, 9, 10 चार आपका अनसॉल्व सैंपल पेपर है जिसका सोल्यूशन लास्ट में दिया गया है, बाकी का सोल्यूशन साथ में दिया गया है। एंड आपको 24 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके सैंपल पेपर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो चलिए आप लोग यहाँ पर बताते हैं फाइनली सैंपल पेपर के बारे में। तो ये रहा आपका सैंपल पेपर 1 जिसमें आप लोग देखते हो जो CBSE का इस साल सैंपल पेपर आया है उसी के अकॉर्डिंग आपका सारा सैंपल पेपर डिजाइन है एंड CBSE एक्सपर्टीज को बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग देखे तो इसके नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। तो कोई 6 सैंपल पेपर है जिसके नीचे ही सॉल्यूशन दिया गया है, बाकी 4 सैंपल पेपर आपके प्रैक्टिस के लिए जिसका सॉल्यूशन भी आपको दिया गया, लेकिन वो आपको लास्ट में दिया गया, साथ में नहीं दिया गया क्योंकि वो आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो ये आपका फर्स्ट सैंपल पेपर था जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे सेक्शन ये आता है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है सेकंड सैंपल पेपर का, एंड ये आपके यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे देख सकते हो सॉल्वड, मतलब ये सॉल्यूशंस होते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे अरेंज फॉर्मेट में दिया गया है एंड सारा का सैंपल पेपर सेम है। फिर सैंपल पेपर 2 यहाँ पे आता है एंड फिर आपको वही सैंपल पेपर, फिर लास्ट में क्वेश्चन। एंड डेफिनेटली इसमें जो क्वेश्चन है ना, मोस्टली क्वेश्चन आपके बोर्ड में इसी से आते हैं, तो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस नहीं किया तो प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी इसी बुक से प्रिपरेशन किया था। डेफिनेटली ये बुक आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। एंड आपको लास्ट में जैसे कि बताया टोटल 10 सैंपल पेपर दिया गया है क्योंकि CBSE के अकॉर्डिंग है। एंड लास्ट में आपको CBSE के 24 में जो सैंपल पेपर है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया जो कि आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट में आपका एग्जामिनेशन जो कि दिल्ली या दिल्ली आउटसाइड होता है, तो सारे पेपर इसके अंदर डाले गए हैं, सारे सॉल्यूशन के साथ डाले गए हैं। तो गाइस डेफिनेटली इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में परचेज कर लो एंड आप प्रिपरेशन आज इस बुक से स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोग अपने बोर्ड में काफी अच्छे स्कोर कर पाओ। एंड आप लोग बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो में कौन सा सब्जेक्ट का रिव्यू चाहिए। एंड ऑलरेडी चैनल बहुत सारे सब्जेक्ट का रिव्यू वीडियो अपलोडेड है, तो वहां से आप लोग देख भी सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ बहुत जल्द।